नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। निवेश के नाम पर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार पंकज खान चंदानी के खिलाफ अब तक 25 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। खान चंदानी ने मुनाफे का लालच देकर 7 से 8 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पिछले दिनों विजयनगर पुलिस ने निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पंकज खान चंदानी को गिरफ्तार किया। अब तक 25 शिकायतकर्ता उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुके हैं। पुलिस के अनुसार खान चंदानी ने हर माह 15% मुनाफा देने का लालच देकर निवेश करवाया था। कई पीड़ित ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जेवर बेचकर और लोन लेकर कंपनी में निवेश किया था। आरोपी की कंपनी सेबी से भी रजिस्टर्ड नहीं थी। आरोपी के 4 साथी अब भी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। ये भूमाफिया नहीं है, ये एक ठगी वाला था। ये कंपनी बना रखी थी उसने, फर्जी कंपनी थी और उसमें इन्वेस्ट के नाम से लोगों से पैसे लेता था। उसमें उसको अरेस्ट किया था। पीआर के दौरान पूछताछ पर पता चला है और बाद में जो और फरियादियाँ हैं, लगभग 25 फरियादी अभी तक वो आ चुके हैं जिनसे पूछताछ पर पता चला है कि इनने ये इन्वेस्ट के नाम पर उनसे करीब लगभग 7 से 8 करोड़ की ठगी की है। और उनसे मतलब जो उसके दूसरे भी साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है जिनने इनके साथ में सहयोग किया है। लगभग 4 आरोपियों की और हम तलाश कर रहे हैं। आरोपी क्या, इसकी कंपनी थी, वैसे उसने एक इन्वेस्टर कंपनी बनाई थी जो कि सेबी से रजिस्टर्ड नहीं थी। वो ये बताता था कि आप पैसा नगद मेरे को दो, मैं और कैश बैंक अकाउंट से दो, कैसे भी दो, तो मैं आपको 15% महीना के हिसाब से वापस रिटर्न करूँगा, उसका 15% दिया करूँगा। तो ये 4 लोग और इसके साथ थे जो जनता से पैसे लेके आते थे। इसमें यह भी तथ्य आया है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इसमें कि जिनने अपने जेवर बेच के इनको पैसे दिए इन्वेस्टमेंट के लिए और बैंक से लोन लेकर इन्वेस्ट किया गया है पैसा इसमें। टोटल कितने लोग होंगे इसमें? कुल अभी तक हमारे पास 25 फरियादी आ चुके हैं इसमें। हाँ, अभी हम और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे संबंधित जो भी लोग हैं वो आकर यहाँ पर बताएं हमको ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, इसका नेटवर्क कहाँ का था, किन किन जिलों में? अभी जो खरगोन, देवास, धार, इंदौर, इतनी जगह पता चला है इनके संपर्कों का।